ऑडियो वन, नर और नारी एक समान। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। नारी का कार्य क्षेत्र। नारी के अधिकारों की चर्चा जब चलती है तो यह तर्क उठाया जाता है कि उसका अधिक उपयुक्त कार्य क्षेत्र तो घर ही है। नारी को घर परिवार का उत्तरदायित्व विशेष रूप से संभालना पड़ता है, यह सही है, पर यह गलत है कि उसे उतने ही क्षेत्र में सीमित रहना चाहिए और घर से बाहर के क्षेत्र में कोई रुचि नहीं लेनी चाहिए, घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा प्रतिबंध तो ठीक उसी प्रकार का होगा जिसके आधार पर पुरुष को घर में प्रवेश करने से रोका जाए। जब तक घर में स्त्री का और बाहर पुरुष का कार्य क्षेत्र है और स्त्री को घर तक ही सीमित रहने के लिए कहा जा रहा है, तो न्याय की मांग यह भी है कि पुरुष को भी उसी प्रकार के बंधन स्वीकार करने चाहिए। उसे घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, दुकान दफ्तर या खेत में ही गुजारा करते हुए संतोष करना चाहिए। पुरुष यदि इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते तो अकेली स्त्री को ही उस सीमा बंधन में बांधना किस तर्क एवं न्याय के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है? विशेष कार्य तो हर किसी के जिम्मे होता है, पर वह उतने तक ही सीमित रहने के लिए विवश नहीं किया जाता। पंडित, लेखक, धोबी, मेहतर, नाई, मोची, चित्रकार, सैनिक, अध्यापक, अफसर, किसान, माली, मजदूर, व्यापारी आदि अपने अपने अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, पर उन पर यह प्रतिबंध नहीं है कि वे उन निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकते। जो विशेष कार्य वे करते हैं उन्हें सदा उतने तक ही सीमित रहने, अन्य कुछ भी न करने के लिए वे प्रतिबंधित नहीं है। ड्यूटी पूरी करने के उपरांत वे कुछ भी करते हैं, आवश्यकता एवं इच्छानुरूप अपना काम बदल भी लेते हैं। इसी प्रकार स्त्रियों पर भी यह बंधन नहीं होना चाहिए कि उन्हें घर के पिंजरे में ही कैद रहना चाहिए। मुर्गी और कबूतर पालने वाले उनके लिए दरबा बनाते तो हैं, पर यह बंधन नहीं लगाते कि निरंतर उन्हें उसी में बंद रहना पड़ेगा। खुली हवा में घूमने का भी उन्हें अवसर देते हैं और विश्वास करते हैं कि वे अपने दरबे को, घर को पहचानते हैं, इसलिए उसे छोड़कर सदा के लिए कहीं नहीं चले जाएंगे। अपने घर की स्त्रियों पर यदि मुर्गी या कबूतर जितना विश्वास किया जा सके तो न्याय की रक्षा हो सकती है। आखिर पालतू बिल्ली 2400 घंटे कोठे में ही तो कैद नहीं रहती, वह भी मन बहलाने के लिए कहीं इधर उधर जाती और लौट आती है। क्या इतनी सुविधा स्त्रियों को नहीं मिल सकती? प्राणी को पिंजरे में कैद करने पर उसकी प्रकृति प्रदत्त स्फूर्ति क्रमशः नष्ट होती चली जाती है। इसका प्रत्यक्ष परिचय पालतू और वन्य पशुओं को सामने रखकर उनका तुलनात्मक अध्ययन करके जाना जा सकता है। पिंजरे में पलने वाले और उन्मुक्त आकाश में उड़ने वाले समान आयु और स्वास्थ्य के तोतों को किन्हीं पक्षी विशेषज्ञों के सुपुर्द करके पूछा जाए कि इनके शारीरिक मानसिक स्थिति में क्या कुछ अंतर है, वे बताएंगे कि पालतू का शरीर जीर्ण हो गया और मन टूट गया है, वह हारा थका और निराश दिखाई पड़ता है। व्यापक क्षेत्र में पुरुषार्थ करने से जंगली तोते की नस नाड़ियों में समर्थता बनी हुई है और आहार एवं सुरक्षा की समस्या पल पल पर नए ढंग से हल करने के अभ्यास ने उसकी चित्र चेतना को प्रखर रखा है। उत्तरदायित्व वहन करने में कुछ असुविधा तो होती है, पर उसके बदले समान चेतना की अभिवृद्धि का वरदान भी मिलता है। बिना चिंता के गुजर कर लेना स्त्रियों का सौभाग्य बताया जाता है। उन्हें न तो उपार्जन का परिश्रम करना पड़ता है और न समस्याओं के समाधान में माथा पच्ची। इस दृष्टि से वे पुरुष की तुलना में अधिक सुखी कही जाती हैं, पर वस्तु स्थिति उससे सर्वथा भिन्न है। तथा कथित निश्चिंतता मानव जीवधारी की मूल प्रकृति से सर्वथा विपरीत है। यदि ऐसा न होता तो कैद खाने में पूर्ण निश्चिंतता का अवसर होने के कारण कोई कैदी वहां से छुटकारा पाने का इच्छुक न होता। पिंजरे में बंद रहने वाले
तोता, मैना आदि पक्षी दरवाजा खोल देने पर उसी में बैठे रहते। चिड़िया घरों में रहने वाले पशु पक्षी आहार और सुरक्षा की दृष्टि से पूर्ण निश्चिंत होते हैं। उन्हें अपनी आवश्यकताएं जुटाने के लिए कोई दौड़ धूप नहीं करनी पड़ती। फिर भी उन्हें मुक्त करने का अवसर देकर देखा जा सकता है कि वे वहां रहना पसंद करते हैं या दरवाजा खुलते ही ताबड़तोड़ भागते हैं। इस छुटकारे में उनके लिए खतरा ही खतरा है। असंख्य चिंताएं और समस्याएं उनके सामने खड़ी होंगी। फिर भी स्वतंत्रता अपने आप में इतनी बड़ी चीज है जिसके लिए कितना ही बड़ा खतरा उठाया जा सकता है। इस तथ्य को पशु पक्षी ही जानते हैं। मनुष्य की आत्मा इस तथ्य से अपरिचित हो ऐसी बात नहीं है। सिखाया, सधाया और कैद करके रखा गया सिंह सर्कस वालों के लिए लाभदायक हो सकता है, पर यदि उस प्राणी से पूछा जाए कि आपको इस निश्चिंत और सुविधा संपन्न स्थिति में वन प्रदेश में रहकर हर घड़ी पेट पालने की झंझटों में उलझे जीवन की तुलना में अच्छा लगता है या बुरा, तो उसका उत्तर कटघरा खोलकर पूछा जा सकता है। वह मूक प्राणी अपनी आंतरिक अभिलाषा का परिचय पिंजड़े से निकलकर कहीं भी भाग खड़ा होने के रूप में देगा। स्वतंत्रता की आकांक्षा ईश्वर प्रदत्त है, यह आत्मा की भूख है। इसके लिए बड़े से बड़े कष्ट सहे जा सकते हैं। दास दासी राजा रईसों के यहाँ पलते, अच्छा खाते और अच्छा पहनते थे, अच्छे मकान में रहते थे। विचारशील लोगों ने दास प्रथा के अंत का आंदोलन चलाया और तब चैन लिया जब वह समाप्त हो गई। स्वतंत्र जीवन जीने वाले असंख्य दीन दरिद्रों को जिस स्तर का जीवन यापन करना पड़ता है उसकी तुलना में दास दासी सुखी थे। फिर मोटी दृष्टि से तो यह स्वतंत्रता उनके लिए हानिकारक ही हुई। इसी तर्क के अनुसार विदेशी पराधीनता को भी कई सुविधाओं की दृष्टि से उपलब्ध स्वाधीनता की तुलना में अच्छा ठहराया जा सकता है। उस जमाने में हमें बाह्य आक्रमणों से बचने के लिए सुरक्षा समस्या पर ध्यान नहीं देना पड़ता था। अंग्रेज स्वयं उसकी जिम्मेदारी संभालते थे। ऐसी ही और बातें भी हो सकती हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के नेता पराधीनता में रहने के लाभों और स्वाधीनता के कठिन उत्तरदायित्वों को भी जानते थे, फिर भी उन्होंने प्राण हथेली पर रखकर स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और सारे देश को उसके लिए बड़े से बड़ा त्याग बलिदान करने का आवाहन किया। जिस तर्क के अनुसार स्त्रियों को पराधीनता में सुखी रहने की बात कही जाती है, उसी तर्क का प्रयोग करने पर स्वतंत्रता आंदोलन और उसके लिए किया गया त्याग बलिदान भी निरर्थक ठहराया जा सकता है। इतना ही नहीं, छोटे देशों को बड़े देशों की पराधीनता स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार करने के लिए कहा जा सकता है। हर कोई जानता है कि इस प्रकार की वकालत चाहे कितनी ही तर्कों और तथ्यों सहित प्रस्तुत की जाए सदा निंदनीय ही ठहराई जाएगी और उस प्रतिपादनकर्ता को निहित स्वार्थों का एजेंट कहा जाएगा। स्त्रियों को पुरुषों की पराधीनता में ही रहना चाहिए, उन्हें अपने घर के पिंजड़े से बाहर नहीं झांकना चाहिए। ऐसा निर्देशन करने वाले कोई भी क्यों ना हो, मानवीय अंतरात्मा की मूलभूत आकांक्षा एवं प्रकृति से अपरिचित ही ठहराए जाएंगे। शास्त्रों की, संतों की, परंपराओं की दुहाई कितना ही गला फाड़ फाड़ कर क्यों न दी जाती रहे, तथ्य अपने स्थान पर अटल बने रहेंगे। दलीलें उन्हें झुठला नहीं सकती। नारी को न्याय मिले, नारी दासी और पुरुष उसका स्वामी, यह बात उसी स्थिति में सही हो सकती थी जब नारी मिट्टी या धातु जैसे जड़ पदार्थों की बनी इच्छा, आकांक्षा और चेतना से रहित रही होती। अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि वह पशु स्तर की होती, जिसे मनुष्यों द्वारा बांधा, बेचा और दुहा जोता जाता है। जैसा कि भूतकाल में उसे भोग्या, रमणी, कामिनी आदि के रूप में माना जाता रहा है, यदि उतनी सी ही बात हो तो यूरोप की पुरानी मान्यता के अनुसार यह कहा जा सकता है कि स्त्रियों में आत्मा नहीं होती, ये पुरुष के उपभोग के लिए बनी है,
उन्हें स्वतंत्र इच्छा रखने का अधिकार नहीं है। हम फल, शाक, चीनी, साबुन, कपड़े आदि का मनचाहा उपभोग करते हैं, क्योंकि वे भोग्य हैं। स्त्री यदि भोग्या है, उसका जन्म रसोईदारिन, चौकीदारिन और वासना तृप्ति का साधन बनाने के लिए हुआ हो, तो वह पुरुष की क्रीत दासी कहला सकती है। उसके स्वामियों को उसे खरीदने, बेचने, ताने देने और पीटते पीटते मार डालने अथवा मनचाहा उपयोग करने की छूट मिल सकती है। उसके मालिक जिस भी स्थिति में रखना चाहें, बिना उफ किए उसी को शिरोधार्य करने के लिए कहा जा सकता है। किंतु स्थिति इससे भिन्न हो, उसे भोग्या या दासी से ऊंचा माना जाए, प्राणधारी का मनुष्य का दर्जा दिया जाए, तो फिर यह सोचना पड़ेगा कि उसका भी अपना चेतनात्मक अस्तित्व है और उसके साथ जुड़ी हुई स्वतंत्रता की आकांक्षा के लिए भी कोई स्थान है। मनुष्य के भीतर बैठा हुआ असुर समाज में दुर्बलों का शोषण करने के लिए लालायित रहा है और उसने जब अवसर पाया है अपनी आघात चलाई है। जो पशु उसकी पकड़ में आ गए, अब उनके प्राण बचना कठिन दिखता है। समर्थों ने दुर्बलों को दास बनाया और उनसे लगभग पशुओं जैसा व्यवहार किया। नारी की प्रजनन विशेषता के कारण उसे शारीरिक दृष्टि से दुर्बल पाया और उसे भी शोषण का एक सामान बना लिया। यह प्रवृत्ति भाग्यवाद, पूंजीवाद, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, अधिनायकवाद, सामंतवाद, पुरोहितवाद आदि के रूप में अभी भी प्रकट और प्रच्छन्न रूप से ढंग और कलेवर बदलते सिर उठाती देखी जा सकती है। तर्कों के आधार पर इन सभी अवांछनीयताओं को उचित एवं आवश्यक सिद्ध करने का भी प्रयत्न होता रहता है। समर्थ दुर्बलों का शोषण करें, इसलिए उपयोगितावाद का एक स्वतंत्र दर्शन है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की उक्ति को समर्थन से लेकर दुर्बल तक अपने अपने ढंग से चरितार्थ करते दिखाई पड़ते हैं। सत्ताधारी दुर्बलों को चूसते हैं, दुर्बल व्यक्ति घर की नारियों को पद दलित करने में नहीं चूकते। वे नारियां भी जब सास बनती हैं, तो अपनी पुत्र वधुओं के साथ उसी तरह का व्यवहार करती हैं। वे पुत्र भी अपने बच्चों को मारने पीटने में कोताही नहीं करते। यह कुचक्र असुरता की प्रतिच्छाया में ही चलता है। मानवता को पैरों तले कुचल कर ही यह दुष्प्रवृत्तियां जीवित रहती और फलती फूलती हैं। समूचे नारी समाज को आज इसी आसुरी शोषण का शिकार रहना पड़ रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है नारी को घर के क्षेत्र में पुरुष के अधिनायकत्व में मौत के दिन पूरे करना। न्याय, औचित्य और स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले, मानवीय आदर्श को मान्यता देने वाले उदात्त लोगों की पंक्ति में हमें खड़ा होना चाहिए और इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि नारी घर के उत्तरदायित्व तो संभाले, पर उतने ही क्षेत्र में कैद ना रहे। उसे अनुभव बढ़ाने का, समाज का स्वरूप समझने का अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बाजार से सौदा खरीदने के लिए, अन्य आवश्यक काम निपटाने के लिए, घर के पुरुष का हाथ बटाने के लिए, लोक मंगल प्रयोजनों के लिए घर से बाहर जाने का अवसर देना चाहिए। इससे नारी की मूर्छित आत्मा को जगाने का पथ प्रशस्त होगा और समूची मानव जाति को इस प्रगतिशील कदम का लाभ मिलेगा। ऑडियो 2, नर और नारी एक समान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। नारी उत्कर्ष के साथ समाज का भी उत्कर्ष जुड़ा है और उसकी मांग पूरी तरह न्याय संगत है, फिर भी उनकी पूर्ति हो नहीं पा रही है। इसका कारण है कि आज की बिगड़ी परिस्थितियों में न्याय पाना भी कठिन है। गरीब लोगों को सामाजिक न्याय पाने में प्रायः असफल रहना पड़ता है। वकील जुटाने, सबूत इकट्ठा करने, गवाहों का सहयोग पाने जितने साधन उसके पास नहीं होते। फलतः अर्जी सर्वथा सही होने पर भी प्रबल प्रतिपक्षी की तुलना में उन्हें बहुधा असफल ही रहना पड़ता है। ऐसी ही
कुछ दुर्भाग्य भरी विडंबना का मखौल नारी के साथ भी चलता रहा है। उसकी अर्जी सीधी सादी है, उसे यदि भगवान ने मनुष्य बनाया है तो मनुष्यों द्वारा उसके मूलभूत मानवीय अधिकारों का अपहरण नहीं किया जाना चाहिए। मनुष्य के भौतिक अधिकारों में उसे स्वतंत्रता पूर्वक जीने, सोचने, कमाने, रहने, बोलने का हक दिया गया है। इससे अधिक उसे कुछ नहीं चाहिए। या तो स्पष्टतः यह कह दिया जाना चाहिए कि वह मनुष्य वर्ग में नहीं गिनी जा सकती, वह पशु है, इसलिए पशुओं की तरह ही उसे बाधित होकर पराश्रित जीवन यापन करना पड़ेगा। इतना फैसला हो जाए तो भी एक बात तो साफ हो, एक ओर उसे मनुष्य ही नहीं, उससे भी ऊपर उठाकर देवी तक कहा जाता है और दूसरी तरफ मानवीय अधिकारों से सर्वथा वंचित पुरुष की क्रीत दासी कठपुतली की तरह रखने वाले प्रतिबंध जड़ दिए जाते हैं। असमंजस और असंतोष इस दो मुही दोगली नीति से ही उत्पन्न होता है। नारी न्याय के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती, पर उसे वह उन छोटी अदालतों से मिल नहीं सका है जो यदि चाहती तो अब तक कब का नारी उत्पीड़न जैसी कितनी ही समस्याओं का समाधान निकल आया होता। समाज के मूर्धन्य कर्णधारों का यह कर्तव्य था कि वे अपनी दूर दृष्टि से समय की विकृतियों को देखते और उनकी हानियों का ध्यान रखते हुए ऐसा वातावरण बनाते जिनमें इन अवांछनीयताओं पर टिक सकना असंभव हो जाता। साहित्यकार, कवि, चित्रकार, मूर्तिकार, गायक, अभिनेता, धर्मोपदेशक आदि जनमानस को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यदि उनने नारी उत्पीड़न की अवांछनीयता को समझा होता तो उसके स्तर और अधिकारों के हनन के विरुद्ध वातावरण तैयार करते, पर हुआ कुछ इससे उल्टा ही है। उनमें से अधिकांश ने अपना लाभ उसी में समझा कि नारी को रमणी, कामिनी, भोग्या के रूप में निकल जाने के लिए आतुर निम्न स्तरीय कामुकता को भड़काने वाले साधन प्रस्तुत किए जाएं और प्रस्तुतीकरण के उपलब्ध में सहज ही अधिकाधिक धन कमाया जा सके, सस्ती वाहवाही लूटी जा सके। ऐसा करना वेश्याओं और दूसरों को शोभा दे सकता था, कला के उपासकों को नहीं। नारी को दबोचने के साथ साथ कला की स्वर्गीय गरिमा को भी नरक की कीचड़ में बिगाड़ दिया गया। इससे हिंसकों के दांत और पंजे तेज हुए और शिकार के त्राण की रही बची संभावना भी धूमिल हो गई। कलाकार की अदालत ने नारी को हरा दिया, उस दरबार ने उसकी अर्जी खारिज कर दी और न्याय दिलाने से इनकार कर दिया। दूसरी अदालत उन सामर्थ्यवानों की है जिन्हें धनवान, प्रतिभावान, राजनेता एवं समाज पर छाई हुई मूर्धन्य विभूतियां कह सकते हैं। यह वर्ग कलाकारों से भी ऊंचे स्तर का होता है। इसके पास वे साधन रहते हैं जिनके सहारे कुत्साओं को रोक सकना और लोक दृष्टि को उल्टा जाना संभव हो सकता है। इस वर्ग ने भी यह कहकर अर्जी खारिज कर दी कि अधिक उत्तेजक और अधिक सस्ता मनोरंजन उन्हें भी तो नारी के अश्लील कलेवर से ही मिलता है। लोक मानस उल्टे जाने पर तो उनका अपना विनोद ही छिन जाएगा। वे भी अपने पैरों में कुल्हाड़ी न मारने की बात सोचकर पीछे हट गए। घड़ियाल के आंसू तो हर क्षेत्र में बहाए गए, सहानुभूति में लेखन, भाषण और प्रस्तावों के पुलंदे आकाश कुसुम की तरह बरसाए जाते रहे, पर उनसे स्थिति के बदलने में कोई सहयोग न मिल सका। आत्म प्रवंचनाओं की घटाएं पूरब से उठती रहीं और पश्चिम में अस्त होती गईं। पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अब अर्जी तीसरी बड़ी अदालत में प्रस्तुत है। भयभीत और कातर नारी ने लोक शक्ति के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। युग चेतना द्वारा मानवीय संविधान की रक्षा का भार उसे सौंपा गया है, तो उस उत्तरदायित्व को निभाना भी उसी को चाहिए। न्याय पाने की अंतिम आशा जीवंत लोक शक्ति पर जागृत लोक मानस पर केंद्रित हुई है। यदि यहाँ से भी इनकार कर दिया गया
तो फिर यही सोचना पड़ेगा कि न्याय, विवेक, औचित्य आदि आदर्श मान्यताएं भी दूसरे मनोरंजनों की ही तरह तथा कथित दार्शनिकों के लिए दिमागी विलासिता भर की वस्तुएं हैं। उनका उपयोग कल्पना लोक तक सीमित है। व्यवहार में तो मत्स्य न्याय ही चलता है। जंगल के कानून में जिसकी लाठी उसकी भैंस को मान्यता मिली हुई है, नर पशुओं की दुनिया में भी वही चलेगा। चूंकि अभी आत्मा और परमात्मा की चर्चा होती है और धर्म अध्यात्म की भी दुहाई दी जाती है, इसलिए अपेक्षा यह की गई है कि अभी जीवन का, प्रकाश का, औचित्य का सर्वथा मरण नहीं हुआ है। लोक शक्ति में कहीं न कहीं ऐसे तत्व हो सकते हैं जो अनीति को निरस्त करेंगे और नीति को समर्थन देने के लिए उभरेंगे और शोषितों का पक्ष समर्थन करके न्याय की मान्यता दिलाने के लिए कुछ कारगर योगदान देंगे। छोटी अदालतों से निराश होकर नारी ने सुप्रीम कोर्ट में विवेकवान, भावनाशील, न्यायप्रिय और पौरुष का उत्तरदायित्व समझने वाले लोगों के दरबार में अपील की है। विश्व नारी का चीत्कार भावना के कानों से कोई भी सुन सकता है। जो सज्जन मात्र सत्ता के प्रति आस्थावान हो, वे आवाज को सुने और न्याय के समर्थन में मौखिक नहीं व्यावहारिक रूप से कुछ कर दिखाने के लिए कदम बढ़ाएं। आशा का केंद्र एकमात्र लोक शक्ति ही बच रही है। यदि यहाँ से भी उसे उपेक्षा मिली तो यही समझा जाएगा कि नारी की आत्मा का मरण निकट है और उसके साथ ही समूची मानवता का अंत भी सुनिश्चित है। यह प्रश्न उठ सकता है कि जन साधारण की सामर्थ्य कम होती है, उतने से क्या हो सकता है? किंतु यह न भूलें कि लोकमानस एक अति विशालकाय और अति समर्थ महादैत्य है। इसकी तुलना पौराणिक कुंभकर्ण से की जा सकती है। 6 महीने सोने और 1 दिन जागने की उसकी बुरी आदत का मनोरंजक वर्णन मिलता है। वह दैत्य जब सोता था तो इतनी गहरी नींद में होता था कि छाती पर हाथियों का झुंड घुमाते रहने पर भी करवट नहीं बदलता था। पर जिस दिन जागता था तो पर्वत जैसा आहार उदरस्थ करने से लेकर अन्यान्य अनेकों आवश्यक कार्य चुटकी बजाते पूरे करके रख देता था। निश्चित रूप से ऐसी विशेषताओं से संपन्न महादैत्य केवल जनमानस ही हो सकता है। वह जिधर भी करवट बदलता है, उधर ही कुछ न कुछ बना देने और कुछ भी बिगाड़ देने का चमत्कार प्रस्तुत करता है। संसार की महान क्रांतियों के इतिहास के पीछे लोक शक्ति ही काम करती दिखाई पड़ेगी। नारी जागरण की समस्या का हल व्यक्ति विशेष द्वारा संभव नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति कितना ही धनी, विद्वान, सत्ताधारी अथवा प्रतिभा संपन्न क्यों न हो, निजी साधनों से इतने सुविस्तृत क्षेत्र में नगण्य सी ही हलचल उत्पन्न कर सकता है। कुछ बड़ा कार्य करना हो तो लोक शक्ति का ही सहारा लेना होगा। जनमानस को जगाने के लिए पहला काम यह है कि उसे स्थिति की गंभीरता और अभियान की महत्ता समझाई जाए। हमें लोकमानस को इतना गर्म करना चाहिए कि नारी की वर्तमान स्थिति पर विचार करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को नए सिरे से विचार करने के लिए बाध्य होना पड़े। पतन ने कितनी क्षति पहुंचाई और उत्थान से उसकी कितनी भरपाई हो सकती है, इसका विचार प्रत्येक विवेकवान मस्तिष्क में उठना चाहिए। अनादि काल से वरिष्ठता प्राप्त नारी को किन परिस्थितियों और किन मनह स्थितियों ने दयनीय दुर्दशा में ला ढकेला है, इस दुखदायी इतिहास को, घटनाक्रम को कलेजे पर पत्थर बांधकर पढ़ा जाना चाहिए। अवांछनीयताओं को मान्यता देने की सामाजिक मूर्ता पर प्रचंड रोष जागना चाहिए। इतना किए बिना नारी जागरण के लिए वे साधन बन ही नहीं पड़ेंगे, वे अभियान खड़े ही ना हो सकेंगे जो इतने बड़े प्रयोजन को पूरा करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। नारी समस्या के विभिन्न पहलुओं पर जन साधारण का पूरा पूरा ध्यान केंद्रित हो और हर व्यक्ति को प्रस्तुत अवांछनीयता की हानि समझने का अवसर मिले,
तभी वह आक्रोश जगाया जा सकेगा जो बड़े परिवर्तनों की भूमिका प्रस्तुत करता है, उसके लिए आवश्यक साधन जुटाता है। जब तक परिवर्तन के कारण उपलब्ध होने वाले लाभों को भली प्रकार न समझा जाएगा, तब तक उस दिशा में न तो उत्सुकता उत्पन्न होगी और न आतुरता। अन्यमनस्क मन बहुत दूर तक नहीं चल सकता, लेकिन जैसे ही बात का औचित्य अंतःकरण में बैठता है, वैसे ही अंदर से एक प्रबल उत्साह का अनुभव होता है। यही जन उत्साह बड़े कार्यों की आधार भूमि बनता है। जन चेतना को जागृत करना यों बड़ा कठिन कार्य लगता है, किंतु आज की स्थिति में वह नितांत स्वाभाविक हो गया है। जिनकी सूक्ष्म जगत और उसकी सत्ता पर विश्वास है, वे जानते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया का अकाट्य नियम, अवांछनीयताओं को उलट देने का सरंजाम अनादिकाल से जुटता रहा है। विश्व का संतुलन बनाए रहने के लिए ऐसे अंधड़ तूफान खड़े होते रहे हैं, जिनने निराशा और आतंक की मेघमाला को छिन्न भिन्न करके समय समय पर घुटन को दूर किया है। मनुष्य की समष्टि अंतरात्मा, जिसे विश्वात्मा या परमात्मा भी कह सकते हैं, विकृतियों के निराकरण के लिए समर्थ प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती रही है और अनंत काल तक उसका यह क्रम चलता ही रहेगा। शरीर में विषाणुओं का, विजातीय द्रव्यों का जब अवांछनीय जमघट एकत्रित हो जाता है, तो प्रकृति कोई तीव्र रोग संवेग खड़ा करती है। ज्वर, पीड़ा, सूजन आदि के रूप में कष्ट तो होता है, पर बीमारी को उखाड़ने की दृष्टि से यह आवश्यक होता है। इसलिए शरीर शोधन की यह प्रकृति प्रक्रिया स्वास्थ्य संरक्षण का प्रयोजन पूरा करती रहती है। चिकित्सा के मनुष्य कृत सारे उपचार एक ओर और प्रकृति की उपरोक्त व्यवस्था एक ओर रखकर तराजू पर तोली जाए तो पलड़ा प्रकृति परंपरा का ही भारी बैठेगा। ऑडियो 3, नर और नारी एक समान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। शरीर स्वास्थ्य के संतुलन की तरह समाज स्वास्थ्य में जब भी विषाणुओं की, भ्रष्ट मान्यताओं और गतिविधियों की भरमार हो जाती है, तो अनिवार्य रूप से उसकी सुधार प्रक्रिया सामने आती है। इस परिवर्तन प्रकरण को मोटे तौर से भगवान का अवतरण कहा जाता है। अधर्म का उन्मूलन और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान प्रतिज्ञाबद्ध हैं। साधुता का परित्राण और दुष्कृतों का विनाश करना, सृष्टि के असंतुलन को सहन न करना उनका स्वभाव है। ठीक है, मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, पर वह स्वतंत्रता औचित्य के साथ जुड़ी रहनी चाहिए। अनौचित्य सर्वत्र असहाय माना गया है और सर्वदा उसकी प्रतिक्रिया हुई है। यदि ऐसा ना होता तो समय समय पर प्रकट होते रहने वाले दुर्दांत असुरों ने अब तक कब का इस संसार को अपने पेट में निगल लिया होता, अथवा उसे कुचल मसल कर नष्ट कर दिया होता। संसार के इतिहास का आरंभ से लेकर अध्यावधि परिस्थितियों का विहंगावलोकन करते हैं तो प्रतीत होता है कि संतुलन बनाने में दिव्य शक्तियों ने देर तो की है और ढील भी बरती है, पर उसकी पूरी तरह उपेक्षा नहीं की है। लोग अपना काम अपने हाथों कर ले, इस हेतु महामानव हर काल में उगते, उपजते और अपने समय की सफाई करने में लगे रहते हैं। पर जब यह सामान्य क्रम गड़बड़ा जाता है और देवत्व को निरस्त करके असुरता सत्ता संपन्न होती है, तो फिर प्रकृति प्रतिक्रिया का, भावावतरण का कोई ना कोई विराट विकराल रूप सामने आ ही जाता है। यह दिव्य अवतरण व्यक्ति के रूप में नहीं, जन आक्रोश के रूप में अवतरित होता है। उसके नेतृत्व का श्रेय भले ही किसी व्यक्ति विशेष को मिल जाए, पर तथ्य यही है कि वह जन आक्रोश होता है और असंख्य भावनाशील लोगों को उसमें सम्मिलित होकर ईश्वरीय प्रयोजन पूरा करना पड़ता है। लंका दहन में सहायक रीछ वानर, गोवर्धन उठाने में ग्वाल बाल, महाभारत में पांडवी टुकड़ी, बुद्ध के भिक्षुक गण, गांधी के सत्याग्रही,
लेनिन के विद्रोही सर्वहारा यही बताते हैं कि संसार के महान परिवर्तन जन सहयोग से ही संभव हुए हैं। उसके जुटाने से जन आक्रोश का उद्भव हुआ है। सूक्ष्म जगत में दिव्य अवतरण की बात को यदि अधिक अच्छी तरह समझना हो तो उसे औचित्य का पक्षधर जन आक्रोश ही कह सकते हैं। यह जब उदय होता है तब उसका स्तर प्रभातकालीन सूर्य जैसा होता है। अंधकार कितना ही घना और कितना ही व्यापक क्यों न हो, उस उदीयमान आलोक के सामने किसी भी प्रकार ठहर नहीं सकता। विचारशील व्यक्ति आगे आए। वस्तुतः इन दिनों सूक्ष्म जगत में एक ऐसी प्रतिक्रिया चल रही है जिसमें अनेकों अवांछनीय परंपराओं के उन्मूलन का आधार मौजूद है। यह हवा अनेक क्षेत्रों को झकझोर रही है और परिवर्तन के लिए विकट छटपटाहट उत्पन्न कर रही है। दुर्भाग्य इतना ही है कि इस विस्फोट को सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। युग परिवर्तन की मूल शक्ति समय की पुकार में सन्निहित रहती है। जन आक्रोश ज्वालामुखी बनकर फूटता है। युग सृजेता उसे ध्वंसात्मक रूप धारण करने से रोककर सृजनात्मक प्रयोजनों में लगाते हैं। जब जब ऐसा बन पड़ा है सत परिणाम सामने आए हैं, अन्यथा जनमानस की आकांक्षा अभीष्ट परिवर्तन संभव न होता देखकर ऐसी तोड़फोड़ अपनाती है जिसमें उल्टे और भी अधिक विनाश उत्पन्न करने वाली अराजकता के दुखदायी दृश्य उपस्थित होते हैं। मौसम विशेषज्ञ अपने विशिष्ट उपकरणों से जान लेते हैं कि अब वर्षा आंधी तूफान जैसी क्या नई स्थिति आने वाली है। प्रभात काल होने से पहले कुक्कुट तथा दूसरे पक्षी जान जाते हैं और इसकी सूचना दूसरों को दे देते हैं। किसान लोग कई शकुन देखकर उस वर्ष फसल कैसी होगी इसका अनुमान लगाते हैं। परिस्थितियों को देखकर संभावनाओं का अनुमान दूरदर्शी लोग सहज ही लगा लेते हैं। सूक्ष्म जगत में क्या हलचलें चल रही हैं, इसे जो देख समझ सकते हैं ऐसे अध्यात्म वेत्ता और भी कई तरह की महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां करते हैं और वे प्रायः सही ही निकलती हैं। इन दिनों विश्व की सबसे बड़ी समस्या आधी जनसंख्या की पराधीनता निरस्त करने की आवश्यकता, नारी जागरण के रूप में अपना समाधान मांगने के लिए सीना तान कर सामने आ खड़ी हुई है। अब ऐसी स्थिति नहीं है कि फिर कभी के लिए उसे टाला जा सके। इस सब का तात्पर्य यह है कि नारी जागरण की उपेक्षित समस्याओं को सर्वोपरि प्रधानता दिलाने के लिए लोकमानस को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता जितनी जल्दी समझ ली जाए उतना ही कल्याण है। इसके लिए विचारशील वर्ग को आगे आना होगा और प्रचार अभियान की मोर्चाबंदी कुशलता पूर्वक करनी होगी। लेखनी वाणी दृश्य श्रव्य तथा रचनात्मक कार्यक्रमों के 5 आधार लेकर किसी भी संदर्भ में लोकमत जगाया जाता है। उन्हीं साधनों को नारी समस्या के संबंध में लोक चेतना उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त करना पड़ेगा। लेखनी का तात्पर्य इन दिनों प्रेस और प्रकाशन से है। इस संदर्भ में पहला स्थान पत्र पत्रिकाओं का आता है। अपने देश में सभी भाषाओं में मिलाकर मासिक से दैनिक तक प्रायः 7,000 अखबार निकलते हैं। इनके पाठक अनुमानतः 2 करोड़ हो सकते हैं। एक ही महीने के अंदर इतने बड़े शिक्षित जन समूह को नई चेतना देने के लिए इनका सहारा लिया जा सकता है। इन पत्रों के दृष्टिकोण से तालमेल बिठाते हुए यदि प्रौढ़ लेख लिखे जाएं और प्रकाशनार्थ भेजे जाएं, तो उन्हें कदाचित ही कोई अस्वीकार करेगा। देश में 14 भाषाएं राजकीय मान्यता प्राप्त हैं। इन सभी में लेख लिखने और छापने का प्रबंध सुनियोजित ढंग से किया जाना चाहिए। देश की सभी भाषाओं को मिलाकर लगभग 7,000 विभिन्न पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं। इन 7,000 पत्रों में अनेक दैनिक साप्ताहिक हैं और आधे मासिक। औसत हर महीने 2 लेख छपने की बात सोची जा सकती है। इस प्रकार कुल 14,000 लेखों की आवश्यकता पड़ा करेगी। कुशल लेखक अपने निजी कार्यों का निर्वाह करते हुए भी सप्ताह में 1-2 लेख इस विषय के लिख सकते हैं।
लेखनी के क्षेत्र में अगला कदम है प्रचार साहित्य और स्थायी साहित्य का प्रचुर परिमाण में निर्माण। प्रचार साहित्य से मतलब है पुस्तिकाएं, पर्चे, ट्रैक्ट, पोस्टर, फोल्डर आदि स्वल्प मूल्य में बेचे जाने योग्य अथवा वितरण किए जाने योग्य अत्यंत सस्ती पाठ्य सामग्री का निर्माण। बड़ी पुस्तकों से मतलब है नारी समस्या के विभिन्न पक्षों पर विवेचनात्मक प्रकाश डालने वाला खोजपूर्ण साहित्य। विज्ञ पाठकों द्वारा अपनाए जाने योग्य और पुस्तकालयों में रखे जाने योग्य स्तर का यह साहित्य होना चाहिए। प्रकाशित पुस्तकें उनमें खपती रह सकती हैं। छोटे बड़े बुक सेलरों और हाट बाजार मेले नुमाइशों में फेरी लगाने वाले पुस्तक विक्रेताओं को इस प्रकार का साहित्य बेचने में विशेष रुचि लेने के लिए कहा जा सकता है। इस प्रकार का प्रकाशन संभवतः अधिक आर्थिक लाभ न दे सकेगा, क्योंकि यदि प्रचार का उद्देश्य ध्यान में रखना है तो आज जिस स्तर का बढ़ा चढ़ा मूल्य रखा जाता है वैसा न रखा जा सकेगा और न उतना कमीशन विक्रेताओं को दिया जा सकेगा जितना आजकल मिलने लगा है। इसलिए व्यापक विस्तार दृष्टि में रखना हो तो अपना प्रकाशन तथा विक्रय तंत्र स्वतंत्र रूप से खड़ा करना होगा। इसके लिए सहकारी समितियां, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ट्रस्ट आदि स्तर के ढांचे बनाकर पूंजी जमा करने और उसे उपरोक्त व्यवसाय में लगाने के लिए कदम बढ़ाने का प्रयास करना होगा। कुछ विचारशील प्रकाशक एवं विक्रेता भी सहयोग दे सकते हैं। उनके थोड़े सहयोग से भी कुछ तो काम चल ही सकता है। नर नारी बाल वृद्ध सभी को संगीत प्रिय होता है। वर्तमान कला प्रवाह कामुकता और श्रृंगारिकता की ओर बह रहा है। उसे मोड़कर अनीति के विरुद्ध संघर्ष की उज्जवल भविष्य के अभिनव निर्माण की दिशा में अग्रसर किया जा सके तो आश्चर्यजनक परिणाम सामने प्रस्तुत होगा। इसी प्रकार अभिनय के साथ रहने वाला आकर्षक घटनाक्रम देखने वालों के चेतन मर्म स्थलों तक प्रवेश करता है और अपना प्रभाव छोड़ता है। नारी के साथ बढ़ती जा रही अनीति का निराकरण करने और उज्जवल भविष्य का श्री गणेश करने के लिए संगीत और अभिनय दोनों ही माध्यमों को सुगठित किया जा सकता है। बड़े परिवर्तनों के लिए लोक मानस को जगाना ही चाहिए और उसके लिए प्रबल प्रचार तंत्र खड़ा किया जाना आवश्यक है। साहित्य, संगीत, चित्र, अभिनय आदि की चर्चा इसी संदर्भ में की गई है। यह प्रथम चरण है। इससे लोक मानस जागेगा और लोक शक्ति उत्पन्न होगी। इतना बन पड़ने पर रचनात्मक, सुधारात्मक और विकास के उपकार्यों को हाथ में लेना होगा, जो नारी के वर्तमान पिछड़ेपन को दूर करके उसे सुविकसित स्तर तक पहुंचाने में सहायता देने के लिए नितांत आवश्यक है। वह दूसरा चरण होगा। आज तो हमारा ध्यान उस प्रचार तंत्र को विनिर्मित करने पर ही केंद्रित होना चाहिए। इसके बिना शिक्षा, स्वावलंबन, स्वास्थ्य, कौशल आदि के अभिवर्धन का विशालकाय ढांचा खड़ा नहीं किया जा सकता है। नारी जागरण अपने युग की सबसे महत्वपूर्ण समस्या समझी जानी चाहिए। उसके साथ अपने समय की अनेकानेक समस्याओं के समाधान जुड़े हुए हैं। यह महत्वपूर्ण कार्य जीवंत लोक शक्ति के द्वारा ही संभव हो सकता है। हमें उसी के जागरण में बिना एक क्षण गवाए जुट ही जाना चाहिए। मानवता की पुकार है कि न्याय नारी को भी मिलना चाहिए। उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके कारण उसके मानवोचित नागरिक अधिकारों का अपहरण कर लिया जाए। न्याय, विवेक और औचित्य की अदालत में विश्व नारी की अंतरात्मा ने अर्जी दी है कि उसे भी मनुष्योचित स्तर के जीवन यापन की सुविधा मिलनी चाहिए। नागरिकता के मानवीय मौलिक स्वतंत्रता के अधिकारों से उसे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उचित फैसला देने में अब अधिक समय तक टाल टूल नहीं की जा सकेगी। इसलिए जो हेर फेर किया जाना है उसमें विलंब करके परिवर्तन के सौंदर्य को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए।